जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेलो कार इंडिया पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर में टॉप 10 सेलिंग कार्स इन इंडिया। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पे आती है टाटा की अल्ट्रॉज। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 5,772 यूनिट्स बिकी। इसमें हमें दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन देखने को मिलता है। ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। अब अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो 19.05 से लेकर 25.11 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 5.84 लाख से स्टार्ट होकर 9.59 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हो 9th नंबर पर आती है सुजुकी वैगनॉर। इस महीने इसकी 7,632 यूनिट्स भी की है पूरे भारत में। यह पेट्रोल और CNG दोनों इंजन में अवेलेबल है। इसमें हमें मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये मिल जाती है। अब अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो इसमें हमें 20.52 से लेकर 32.5 PL का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब अगर हम इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये 4.93 लाख से स्टार्ट होकर 6.45 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हुए 8th नंबर पे आती है सुजुकी ईको। ये एक 7-सीटर MUV है। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 7,844 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और CNG दोनों इंजन में अवेलेबल है। ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। अब अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो ये 16.11 से लेकर 13.47 KMPL तक का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब अगर हम इस प्राइस की बात करें तो ये 4.30 लाख से स्टार्ट होकर 5.60 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते 7th नंबर पे आती है Hyundai Venue। ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV है। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 7,924 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती है मैनुअल IMT DCT ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 17.52 से लेकर 23.4 तक का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ। अब अगर हम इसके एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो यह 6.99 लाख से स्टार्ट होकर 11.85 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हुए 6th नंबर पर आती है सुजुकी बलेनो। ये एक हैचबैक है। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 8,077 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी है पूरे भारत में। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है मैनुअल CVT ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 19.59 से लेकर के 21.96 KMPL तक का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ। इसकी एक्सोरूम प्राइस 5.97 लाख से स्टार्ट होकर 9.32 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पे आते हैं Hyundai Creta। इस महीने इसकी टोटल 8,193 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल मैनुअल CVT DCT के साथ। इसमें हमें 70 से लेकर 21 KMPL तक का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से। अगर अब हम इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये 10.16 लाख से स्टार्ट होकर 17.87 लाख तक जाती है। अब आगे बढ़ते 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर में आती है टाटा की नेक्सॉन। ये दिन ब दिन इसकी सेल्स फिगर बढ़ती ही जा रही है। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 9,211 यूनिट्स गाड़ियां बिकी हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आ जाती है मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 16 से 22.4 तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसकी एक्सोरूम प्राइस 7.29 लाख से स्टार्ट होकर 13.24 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हुए 3rd नंबर पर आती है किया सेल्टॉस। इस महीने इसकी टोटल 9,583 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती है मैनुअल CVT DCT IMT ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 16.1 से लेकर 20.86 KMPL तक का माइलेज मिल जाती है। इसके अब अगर हम एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये 9.95 लाख से स्टार्ट होकर 18.10 लाख तक मिल जाता है। आगे बढ़ते हो 2nd नंबर पर बात करें तो 2nd नंबर पर आती है सुजुकी की 7-सीटर MUV Ertiga। इस महीने इसकी टोटल 11,308 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और CNG दोनों इंजन में अवेलेबल है मैनुअल ऑटोमेटिक के साथ। इसमें हमें 17.99 से 26.2 KMPL तक का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से। एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये 7.96 लाख से स्टार्ट होकर 10.69 लाख मिल जाती है। अब आगे बढ़ते 1st नंबर की बात करें तो 1st नंबर में
पिछले बार की तरह आती है सुजुकी की इस ऑल्टो। महीने इसकी टोटल 12,143 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन में आ जाती है, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती इसमें है। हमें 22.05 से लेकर 31.59 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब अगर हम इसके एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये 3.15 लाख से स्टार्ट होकर 4.82 लाख तक मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो अगस्त की वीडियो हम सितंबर में बन गई थी, तो उसके लिए मेरे तरफ से एक्सट्रीमली सॉरी। मिलते हैं फिर एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।